शिमला जिला के रामपुर के समीप नोगली में 3 मेगावाट की निर्माणाधीन सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना के खिलाफ लोगों ने आवाज बुलंद कर दी है। लोगों का आरोप है कि परियोजना निर्माताओं ने पहले चैनल और पाइप लाइन के माध्यम से पानी को पावर हाउस पहुंचाने का वादा किया था, लेकिन जब निर्माण कार्य आरंभ किया तो सुरंग निर्माण की गतिविधियां शुरू कर दी। इस सुरंग के निर्माण से 3 गांवों को खतरा हो सकता है। प्रभावित लोगों ने SDM रामपुर को ज्ञापन देकर सुरंग निर्माण कार्य को जल्द बंद करने की मांग की। अंतिम निर्माण कार्य शुरू हो गया है और जो इनकी NOC है, और मैं तब प्रधान था जब इनको NOC जारी की गई थी। इन्होंने हमारे को कहा था उस टाइम कि हमने ये जो प्रोजेक्ट के लिए जो पानी ले जाना है पावर हाउस के लिए, ये चैनल में जाएगा और अदरवाइज अगर चैनल में नहीं बनी बात है तो हमारे पाइप में भी जाएगा पटले बनाकर। उस आधार पर हमने शर्तों के साथ इनको अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया और आज इनकी जो प्रपोजल है वो टनल बनाने जा रहे हैं, और जिसमें टनल के बनने से क्या होगा, जैसे मकान बनाते हैं, मकान की जो नींव होती है उसके ऊपर मकान बनता है, वैसे ही जिधर से इनकी जो टनल जानी है वो थोड़ा सा छोटा सा ढांक है जिसके ऊपर वो हमारे गांव की नींव है, जिसके ऊपर हमारे 3-4 गांव टिके हुए हैं। अगर उस नींव को छेड़ा जाता है तो हमारे गाँव जो है बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे लोग, ना कहीं और जगह कहीं सेटल हो सकते हैं उसके बाद। तो हम जो है इस टनल के खिलाफ है पूरे गांव। हमने अभी SDM साहब के माध्यम से मेमोरेंडम भी भेजा है और कि ये निर्माण कार्य टनल का नहीं होना चाहिए, इसको बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेंगे, और सरकार से भी हम ये चाहेंगे कि सरकार इसमें इंटरफेयर करे। अदरवाइज अगर सरकार भी लोगों की सुनवाई नहीं करती तो हमको हाई कोर्ट का दर्जा कटकाना पड़ेगा। और अभी देखो इतना यहाँ पर कई जगह जो प्रोजेक्ट बने हैं और मरबकूट है, और वहाँ DC साहब ने खुद मौका देखा है, SDM साहब ने खुद मौका देखा, कितने लोग वहाँ बुरे हाल हो गए, लोगों के बेघर हो रहे लोग, और पूरे जहाँ जहाँ भी प्रोजेक्ट बने आप चंबा जाओ, हर जगह किन्नौर में जाओ, सब जगह यही हाल है। और दूसरा और अब देखो आपने बड़े अच्छा प्रश्न किया, राजपुरा जो प्रोजेक्ट बना है उसकी अनापत्ति प्रमाण पत्र हमारी पंचायत से गया था, और वहाँ पर जितने भी लैंड लूजर है जिनकी जमीने गई, वायदा किया था नौकरी लगाने का, उसमें उन्होंने 2-4 महीने लगाए, उसके बाद सब निकाल दिए, फिर लोगों ने रिजेक्टमेंट करने वहाँ आए, उन पर मुकदमे दायर कर दिए। सिटी चैनल के लिए रामपुर बुशहर से विशेश्वर नेगी की रिपोर्ट।